2016 में एक्सीडेंटली स्टार्ट हुई जर्नी अभी भी चल रही है। देयर वाज अ चेंज आई वाज ब्रिंगिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ मीम कम्युनिटी एंड आई वाज एक्चुअली सक्सेसफुल। फिर कुछ चेंज हुआ, चेंज मेरी लाइफ में। व्हाट आई सो इज माय फ्यूचर इन मीम। कितने ही आए, कितने ही गए, मेरी आंखों के सामने मेम पेजेस उड़ा दिए गए इंस्टाग्राम के द्वारा। बिकॉज ऑफ व्हाट, कुछ उन्होंने ऐसा पोस्ट करा कि कुछ चुनिंदा लोगों को वो लगा ऑफेंसिव, रिपोर्ट दिया, मास रिपोर्ट दिया, कर दिया पेज बंद, बैंक, आपकी सारी मेहनत एक ही झटके में खत्म, बर्बाद। एंड ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ, मैं भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हुआ और कहीं ना कहीं मेरी पोस्ट भी उड़ा दी गई या फिर मेरी पोस्ट फोर्सफुली उड़वा दी गई। मेरा एक यूट्यूब चैनल था अलग से व्लॉग के लिए, जहाँ पे मैं अपना व्लॉग्स अपलोड करता था, बट वो व्लॉग डेड हो गए। बिकॉज ऑफ व्हाट, मेरी आईडी हैक हो गई और मैं यूट्यूब पर बैन हो गया उस आईडी से। फिर पता लग गया भाई अपना कुछ नहीं होने वाला। वेट, इन सब का मतलब ये नहीं कि मैंने मीम बनाना छोड़ दिया है, ओके? और मैंने ये भी नहीं बोला है कि ऐसी चीज़ों में कोई कैरियर नहीं होता है या फिर मीम बनाओ कोई कैरियर नहीं होता है। हर चीज़ में अपना कैरियर है भाई। मेहनत करके ही आप आगे बढ़ते हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा। जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आप करते रहिए, उसको नहीं रोकिए। अब मुझे बहुत कुछ मिला है जिसको मैंने सोचा भी नहीं था मिलेगा। नॉट ओनली फेम और मनी, इट्स अबाउट रिलेशन। रिलेशन किन से? आप सभी लोगों से। मैं तो कभी ना छोड़ू और उम्मीद करूंगा आप भी नहीं छोड़ेंगे। बस इसको साथ रखो, चलते रहो, बाकी तो अपना वर्क कर ही रहे हैं और लाइफ जी रहे हैं। समवेयर डाउन इनसाइड मी आई फील लाइक एआई इज टेकिंग प्लेस। हार्ड वर्क बहुत है मीम्स में, वैसा कुछ कैरियर नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं या फिर मैं सोचता था। अब मीम्स के अंदर पेड मीम्स ने बहुत ज़्यादा जगह ले ली, सो हर कोई ट्राई करता है कि उसको पेड वर्क मिल जाए, कि पेड कुछ ही मिले, मैं उसको मीम बना के दूँ और हाई पेड मिले। बट इसके अंदर हाई पेड नहीं मिलता है, बहुत रेयर चांसेस है। अब जहाँ तक मुझे लगता है मीम्स टेक ओवर हो गए हैं रील्स से, और रील्स के अंदर क्या है, वही टिकटॉक का क्रिंज कंटेंट। क्रिंज कैटेगरी बहुत अच्छे लेवल पे जा चुकी है। क्रिएटिव मीम्स अब क्रिएटिव रील्स पर शिफ्ट हो गया है और शॉर्ट वीडियोस, रील, इन सब ने पूरा का पूरा मीम कल्चर को चेंज कर दिया। अगर आप इस वक्त मीम ट्रेंड के साथ नहीं बना रहे हो और ऑफ ट्रेंड जा रहे हो तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपकी मीम फेमस होगी। लाखों करोड़ों में अपलोड हो रहा है तो आपका कंटेंट कहीं ना कहीं खो ही जाना है। अगर आप इस वक्त कुछ ज़बरदस्त चीज़ भी बनाएंगे तो वो ऐसा लगता है कि यार इंस्टाग्राम का कोई फिल्टर ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे ब्रेन को बता दिया है या फिर कॉमन पर्सन को बता दिया है, ये ग्राफिक ना अच्छा नहीं है, ये तो कोई फिल्टर ही होगा, ओके? इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर्च कर फिल्टर और कहीं ना कहीं ये पड़ा हुआ ही होगा तेरा, ठीक है? हैशटैग जैसी चीज मुझे लगता है इट्स काइंड ऑफ डजंट मैटर एनीमोर। एआई अपने आप समझ जाता है कि खाना क्या है, आपका फेस क्या है, आप क्या कर रहे हैं। वायलेंस है उसके अंदर, कंटेंट के अंदर, किसी भी टाइप का वो कंटेंट है, एआई को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है। सो अगर आप मोटिवेशनल कंटेंट बताते हैं या फिर फूड कंटेंट बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, उसमें अगर आप कुछ लिखेंगे भी नहीं तो ऑटोमेटिकली आप उस कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। जब आप कंटेंट बना देंगे और पोस्ट कर देंगे, कुछ लिखेंगे भी नहीं, तो ऑटोमेटिकली सर्च में कहीं ना कहीं आप वो शो कर जाएंगे, कि आपको वो कंटेंट शो या फिर सर्च बार में कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। और जनता का रिस्पॉन्स मिलता है और नहीं भी मिलता है, क्योंकि जनता आजकल बिजी बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे कि हम। एक रिवॉर्डिंग सिस्टम था, अब वो नहीं रहा। रिवॉर्डिंग सिस्टम कैसा? जिस टाइम में पोस्ट डालता था उस टाइम पे मेरी जो पोस्ट की शेयरिंग थी वो बढ़ती रहती थी और मैं गिनता था वो पोस्ट कि यार देखो इतने लोगों ने शेयर करा, ये शेयर करा, ओ भाई, स्क्रॉल करता रहता था। अब वो रिवॉर्डिंग सिस्टम आपका चेंज हो चुका है। कोई आपकी मीम शेयर करता है, नो डाउट आपकी ऑडियंस प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। जो आपको जानता नहीं है या फिर जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, जिसने आपका कंटेंट पहली बार देखा है, तो वो क्रॉल कर देता है, शेयर नहीं करता, सोचता भी नहीं है शेयर की। यहाँ मेरी पोस्ट पर लाखों व्यूज गए थे, खुशी से सोया नहीं था दो दिन तक। और दूसरे दिन जब मैं सोया नहीं था, उसके बाद एक नई मीम के बारे में सोच रहा था, एक नई मीम आइडिया के बारे में सोच रहा था। और अब जो वो व्यूज है ना, उन व्यूज का कोई मायने नहीं रहे। आप खुद ही देख लो, आप सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम देखते हो सबसे पहले, रील्स सेक्शन ही खोलते हो
और उसमें आपको क्या दिखता है। आपकी वीडियो पे 500 व्यूज और वहीं आप एक स्क्रॉल कर देते हो, उसमें आपको मिलते हैं मिलियन व्यूज, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन व्यूज। व्यूज का कोई मायने नहीं रहा, व्यूज तो बस ऐसे थोक के भाव में मिल रहे हैं। साला हमारी वीडियोस पे नहीं मिलता लेकिन दूसरों की वीडियोस पे तो ऐसा कैसे होता है, ये ना पूरी हिम्मत तोड़ देते हैं। ये तो एक कॉमन है और कॉमन बन चुका है, अब ये हमेशा रहेगा। आप जितनी भी मेहनत कर लो फुटेज तो क्रिंज को ही मिलेगी। रिसेंट का ट्रेंड ही देख लो, छोटी बच्ची हो क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये वीडियो कैसे लगा। सो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, अगर सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय।